में चल मनीष गुप्ता की किचन। आज मैं आपको काजू मखाना मटर सिखाऊंगा। चलिए बनाने चलते हैं। आज हम बनाएंगे काजू मटर मखाना। इसके लिए सबसे पहले मैं ये काजू को फ्राई कर रहा हूँ। जब तक काजू फ्राई हो रहे हैं मैंने मटर बॉयल करने रख दिए हैं। जैसे ही मटर बॉयल होंगे हम इसके अंदर डाल देंगे। हमारे काजू थोड़े से हो गए हैं, इसमें डालेंगे हम गार्लिक। मैं पूरा गार्लिक डाल रहा हूँ, साथ में डाल रहा हूँ अदरक। और इसमें डाल रहा हूँ प्याज। मैं ग्रेवी बनाने जा रहा हूँ। जब ये हमारे प्याज हो रहे हैं इसमें डालूंगा मैं हरी मिर्च, टमाटर। मैंने दो टमाटर लिए हैं। इसको अच्छी तरह से हम चलाएंगे। जब ये हो जाएंगे तो उसको हम बाद में पेस्ट कर लेंगे। इसमें डालेंगे हम देगी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा हम धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी हम हल्दी डाल देंगे, इसको हम अच्छी तरह से चलाएंगे। इसको हम 5 से 7 मिनट चलाएंगे। हमारे मटर हो गए हैं, इसको मैंने बंद कर दिया। हमारा मसाला बन के रेडी हो गया। अब इसको मिक्सी में डाल देंगे और जब मसाला ठंडा हो जाएगा तो मिक्सी को इसको ग्राइंड कर देंगे। जब तक हमारा ग्रेवी का सामान ठंडा हो रहा है हम इसमें फ्राई करेंगे मखाने। मखाना को अच्छी तरह भून लेंगे जब तक ये हार्ड ना हो जाए। हमारे मखाने बनके रेडी हैं, इसको हम निकाल लेंगे बाहर। काजू मखाना मटर बनाने के लिए सबसे हम पहले डालेंगे हम ऑयल। इसमें डालेंगे हम काजू। काजू मैंने दो बार डाल दिए, पहली बार ग्रेवी बनाने के लिए। इसके अंदर डालूंगा मैं मटर। इसमें डालूंगा मखाने। इस ग्रेवी को हम कुक करेंगे जब तक थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए। इसमें डालेंगे हरा धनिया। और हमारी डिश बनके रेडी हो गई, गैस कर लेंगे बंद। हमारी डिश बनके रेडी हो गई है, इसे डिनर में चपाती के साथ खाइए और एंजॉय कीजिए। हमारे काजू मखाना मटर बनके रेडी हो गए हैं, इसे डिनर में पराठे के साथ चपाती के साथ खाइए, एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।